नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे और मेधा सर्वो कंपनी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। मेधा कंपनी की तरफ से दोस्तों बम्पर वैकेंसीज आपके लिए आया है और इसमें जो पोस्ट रहेगा दो तरह के पोस्ट रहेगा, आपका सर्विस टेक्नीशियन और सर्विस इंजीनियर। जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपने IIT या डिप्लोमा पास आउट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसमें जो वैकेंसी दोस्तों आपका सैलरी जो रहेगा दोस्तों 22,057 रुपये से लेकर 25,127 रुपये तक ऐसे रहेगा। क्वालिफिकेशन पर आपका डिपेंड करेगा कि क्या आपका क्या क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर आपका सैलरी रहेगा, प्लस आपका सैलरी इंक्रीज भी होगा हर ईयर। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देख सकते हो जो वैकेंसीज आया दोस्तों आपका मेधा कंपनी की तरफ से आया है। मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि P4-5B IDA नाचाराम हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में है। ठीक है, तो ये इसका कंपनी जो है आपका तेलंगाना स्टेट में है, बट आपका जॉब जो रहता है दोस्तों इंडियन रेलवे में रहता है और अलग अलग लोकेशन पे रहता है। तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग रहेगी और जहां पर अगर इंटरव्यू वगैरह होता है जनरली वहीं पर आपका पोस्टिंग वगैरह ऐसे रहती है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जोनल वाइज इन्होंने इनके तरफ से जो वैकेंसीज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑफ या पोल वर्क इन ड्राइव है तो आपको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, जहां पर इसकी वर्क इंटरव्यू रखेगा वहां पर आपको जाके इंटरव्यू देना है। ठीक है, सर्विस इंजीनियर ट्रेनी जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सर्विस इंजीनियर के लिए आप अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा आपका जो यहाँ पर ब्रांच है दोस्तों ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और EEE यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और DME यानी कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल से किए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह से किए हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा के अगर सैलरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हो 25,157 रुपये आपका रहेगा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, 25,127 रुपये डिप्लोमा होल्डर्स का मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों आपका सर्विस टेक्नीशियन की रहेगा, इसमें आपका ITI क्वालिफिकेशन रखा गया है तो ITI के लिए यहाँ पर दो तीन ब्रांच यहाँ पर दिया गया है, तीन चार ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। आपने अगर ITI इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किए हैं तो आप इसके लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, या दूसरे जो ट्रेड है आपका सर्विस फिटर, तो आपने अगर ITI फिटर से किए हैं तो भी आप इस वर्क इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और काफ़ी कैंडिडेट कमेंट करके बोलते थे सर हमको वेल्डर की जॉब वैकेंसीज के मतलब अपडेट चाहिए। एक और कैंडिडेट हैं जो कमेंट किए थे एक या दो दिन पहले कि सर ब्लैक स्मिथ ट्रेड का कोई वैकेंसीज आता है तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो आप अपने चैनल हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना ट्रेड का नाम बता सकते हैं और जो भी ट्रेड की वैकेंसीज आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो जो भी कैंडिडेट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना एक बार ट्रेड मेंशन जरूर करें। ठीक है, तो उस ट्रेड से रिलेटेड कोई वैकेंसीज आता है चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, मैं ज़रूर आपको अपडेट दूंगा। ठीक है, तो ITI के लिए चार ट्रेड यहाँ पर रखा गया है, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर और वेल्डर। ठीक है, सैलरी वगैरह की अगर बात करें तो ITI कैंडिडेट का जो सैलरी रहेगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपका 22,057 रुपये रहेगा, तो आपका सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और जॉब प्रोफाइल भी ठीक रहता है दोस्तों, इंडियन रेलवे वगैरह में आपको जॉब रहती है। और यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन यहाँ पर जो रहेगा नॉर्थ इंडिया में रहेगा, तो काफ़ी कैंडिडेट कमेंट करते थे सर UP दिल्ली वगैरह में कब इसका जो है वर्क इंटरव्यू आएगा, तो यहाँ पर देखिए दिल्ली UP MP जम्मू एंड कश्मीर पंजाब और हरियाणा और उत्तराखंड, इतने स्टेट का यहाँ पर जॉब लोकेशन रहेगा। तो इनमें से किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर आप इंटरव्यू के लिए जाइए, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस क्या होता है कि जिस जगह का वैकेंसीज आता है और उस लोकेशन के आप वहाँ के लोकल लोग हैं तो आपको ज़्यादातर मतलब चांसेस रहता है कि उन्हीं लोकेशन पर आपको जो है मिलेगा। ठीक है, यानी कि उन लोकल लोगों का ज़्यादातर मतलब प्रेफरेंस दी जाती है, हालांकि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन और आपके रिटन एग्जाम और आपके इंटरव्यू पर डिपेंड भी करता है, बट आपको लोकल लगा के वहाँ के हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अगर नोट की नोट यहाँ पर दिया गया दोस्तों एज लिमिट के लिए, ठीक है, बिलो 26 ईयर्स मिनिमम 18 साल होना चाहिए,
और मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट अभी आईटीआई पास आउट हैं तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है। और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए दोस्तों टेंथ में, ठीक है। और नो अपीयरिंग, यानी कि आपने आईटीआई एग्जाम दिए और रिजल्ट का वेट करें तो आप इस कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि आईटीआई का रिजल्ट बहुत पहले भी आ चुका है और जो सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, यहाँ पर देख सकते हो। एक नंबर में 10th की, 12th की और आईटीआई डिप्लोमा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जेरॉक्स कॉपी आपको ले आना है, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट रिज्यूम आपको ले आना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज लेटेस्ट दो फोटोज लेकर आने हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं, ठीक है। ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें जो है वैकेंसीज हैं। और मेधा की तरफ से जो भी वैकेंसीज आता है बेसिकली रेलवे जर्नल वगैरह के लिए, तो ज़्यादातर जो है मेल कैंडिडेट का रहता है, फीमेल कैंडिडेट का नहीं रहता, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अटेंड द रिटन टेस्ट ऑन 16 and 17 नवंबर, ठीक है। टाइमिंग इसका है 9 AM to 3 PM। तो इसका जो वॉक इंटरव्यू जनरली हमेशा दो ही दिन होता है, 16 नवंबर और 17। जब भी इसकी वैकेंसी आता है इसका जनरली जो वॉक इंटरव्यू दो दिन चलता है, ठीक है। सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच इसका इंटरव्यू चलेगा। और वेन्यू की अगर बात करें, यानी जहाँ पर आपको इंटरव्यू देना है, होटल नाइस प्लेस, और ये इसका प्रॉपर एड्रेस दिया है। इस एड्रेस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी एड्रेस पे जाके आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर 2 HR का नंबर दिया है। कॉलिंग टाइम ओनली 10 to 5 PM, ठीक है। तो इसी टाइम के बीच में आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, जेन्युइन अगर कोई क्वेरीज है तब, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेट बनता है वीडियो बनाने के लिए। और नए लोगों को अगर नए लोग इसमें वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक रेगुलर जॉब अपडेट दी जाती है, और अपने दोस्तों यारों को भी जरूर शेयर करें। और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।